हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कद्दू के पराठे। तो आजकल जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि कद्दू का सीज़न चल रहा है। जहाँ भी देखो कद्दू ही कद्दू देखने को मिल रहा है। घर पे इतने सारे कद्दू हैं कि समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे कद्दू का करें क्या आखिर। कद्दू के हैं अनगिनत फ़ायदे। तो कद्दू के इतने सारे फ़ायदे होने के बावजूद हम कद्दू को ऐसे ही फेंक दें और ऐसे ही वेस्ट जाने दें, ऐसा तो होगा नहीं। और सबसे पहले करते हैं हम कद्दू के अनगिनत फ़ायदों की बातें। तो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में कद्दू बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और ये हमारे दिल के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हमारा दिल हमेशा स्वस्थ रहे और हमारा ब्लड प्रेशर हमेशा नियंत्रित रहे। वायरल सर्दी जुकाम जैसे संक्रमणों से भी ये हमारी सुरक्षा करता है। तो चलिए फिर कद्दू के पराठे कैसे बनाते हैं ये करते हैं स्टार्ट। मैंने लिया आटा, 2 कप आटा, जितना आप लोगों को चाहिए क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हो। उसमें थोड़ा सा नमक डालिए, थोड़ा सा मेथी डालिए और कद्दू को आप लोग छौंका लगा के भी बना सकते हो सब्जी के जैसे, और फिर उसके बाद सिर्फ बॉयल भी कर सकते हो। और उसमें सारे मसाले डाल के फिर उसके बाद उसको आटे में डाल लेना है, मिक्स कर लेना है और आटे को गूंथ लेना है। उसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर ज़रूरत लगे तो ही डालिएगा, नहीं तो पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने इसके पराठे एक बार बना के खा लिए ना, तो आप लोग उसको बोलेंगे कि हाँ हमें बार बार कद्दू के पराठे ही बनाने हैं, कद्दू की सब्ज़ी खा के हम बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं। तो कद्दू के पराठे जैसे ही बन जाएँ तो आप दही के साथ, अचार के साथ, चने, कुछ भी जो हो, जो आपको पसंद हो उसके साथ आप लेके खा सकते हो। और मैं अभी बना रही हूँ ये ट्रायंगल वाले पराठे और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मेरी बेटी को बहुत पसंद है तो मैं इसलिए इस हिसाब से बना रही हूँ। और हम कद्दू की सब्ज़ी और पराठे दोनों ही बहुत ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि हर किसी को पसंद आते हैं हमारे घर में, तो हम बहुत ज़्यादा बनाते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँ। प्लीज़ ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आई होप आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा, एक बार ट्राई ज़रूर करना और ये मेरे तरीके से भी बना के देखना, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। हर किसी को पसंद आते हैं, बच्चों को भी पसंद आते हैं और बड़ों को भी पसंद आते हैं। तो कद्दू की सब्ज़ी तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते और बड़े भी खाना पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा को देखा है मैंने। तो प्लीज़ 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 एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। प्लेट रेडी है तो देखते हैं अभी कैसा बनाया है मैंने, पूछेंगे अनिरुद्ध जी से। मेरे हस्बैंड बैठे हैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए और इस वाले मग में रखा है मैंने कॉफ़ी। तो जरा टेस्ट करके बताओ कद्दू के पराठे कैसे बने हैं। आज का स्पेशल नाश्ता है हमारा, बहुत ही मस्त बने हैं, बहुत अच्छा बना है। मैं आपके व्यूअर्स को एक सजेशन देना चाहूँगा, बोलिए क्या। जैसे बहुत सारे लोगों को कद्दू पसंद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कद्दू को ऐसे पराठे में बना के खिला सकते हैं, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और अगर किसी को ऑयल पसंद नहीं है तो आप नॉर्मल रोटी के जैसे भी इसको बना सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं, मीठा वगैरह सब सही है। तुम्हें बहुत कड़क पसंद है लेकिन मैंने आज ज्यादा। और आज शाम को हमने कीर्तन वालों को भी बुलाया है घर पे, तो 4 बजे हम कीर्तन करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, और आज है मेरे घर में भजन मंडली पार्टी और यहाँ पीछे बैठे हैं सब लोग और अभी एक एक करके सबका इंट्रो कराऊंगी। और आज है हमारे गणपति बप्पा का 8वां दिन, तो आज हमने अपने घर पे रखा है भजन। इनका भजन मंडली का क्या नाम है और इन्होंने कहाँ कहाँ पे किया है, तो आज हम इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताएंगे। तो जो यहाँ भजन मंडली की अध्यक्ष हैं हम उनसे सबसे पहले बात करेंगे। और यहाँ पे हैं मंडली की अध्यक्ष, मैं सुंदरी सिद्ध केदार मध्यमेश्वर भजन मंडली ऊँची मैडमवाड़ी से, ये मेरी मंडली है, ये मंडली की सदस्य हैं। आज हम यहाँ पे ऊँची मठ के ऊपर अपर मार्केट में भजन करने आ रखे हैं, यहाँ गणेश की स्थापना कर रखी है, हम इसलिए यहाँ पर भजन करने आ रखी है। और ये मेरी मंडली की सदस्य है, हम कभी कभी भोलेश्वर मंदिर में भी जाते हैं और धारी देवी भी गए थे, गुप्तकाशी भी गए थे और नीचे ओंकारेश्वर मंदिर में भी हम रोज भजन करते हैं। हमारे छोटे छोटे टेंपल हैं जैसे शेरा का महादेव, उधर देवड़ा का महादेव है, हम वहाँ भी भजन कभी कभी भजन करते हैं। और प्रणाम
ये मेरी मंडली की ये मीना है, वर्मा है, और ये गायत्री सैब है, ये सर्वश्री वर्मा है, ये रेखा शर्मा है, ये विनोदी सैब है। इधर देखिए। चलिए फिर आज का प्रोग्राम करते हैं स्टार्ट। गुरु गणपति महाराज की जय, ओम चंडिका माता की जय, ओंकारनाथ बाबा की जय, केदारनाथ बाबा की जय, मध्यमेश्वर बाबा की जय, क्षेत्रपाल महाराज की जय, भैरवनाथ बाबा की जय, बारही माता की जय, गजाननं भूतिगणादि सेवितं कपीत जंबो फलचारुभक्षणं उमाशुकं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा, सर्वकारेषु सर्वदा। ओम वंदे देव उमापतिं सुगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूरससांकुवैनयनं, वंदे मुकुंदी प्रियं, वंदे भक्तिजनाश्रियं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं। कंठे यस्य विराजिते गरलं गंगाजलं मस्तके, वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी संस्थिता, नंदी स्कंद गणादिनाथ श्री केदारनाथ प्रभो, केदारांचल संस्थितोहि सततम पुरिया सदा मंगलम, मंगलम भगवान शंभो, मंगलम पृथ्वी विदुजा, मंगलम पार्वती नाथाय, मंगलाय सदा शिवा। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, स्वाहा सदा नमस्तुते। बोलो पंचनाम देवों की जय। छोटो छोटो गजानन मनाऊं कैसे, मनाऊं कैसे, शंकर का राज सुनारे, गोरा चरण प्यारे, शंकर का राज सुनारे, गोरा चरण प्यारे। Yeah.
Thank you.
महाराज की जय।